स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। और हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 126 क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एमपीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, रेलवे जीपीडी, रेलवे एनटीपीसी और एसएससी एमटीएस, ये सभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन अभी हम लेकर के आए हैं। आप बने रहें, इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप जीएस को भी अच्छा कर पाएं, ठीक है। तो साइप्रस की राजधानी कौन सी है वो आपको बताना है, और वो साइप्रस की राजधानी निकोसिया, ये एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश जो है वो है कनाडा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो हमने वीडियो में अपलोड करके रखा है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा बोले कनाडा, ठीक है, लेकिन पहला जो है वो क्या है, तो पहला है रूस, सबसे पहला जो है रूस और दूसरा कनाडा, और तीसरा में आता है ये चीन जो आता है ना, वो चौथा में आता है यहाँ पर देखिए, और पहला रूसिया, दूसरा कनाडा और तीसरा चीन, है ना, तीसरा चीन आता है। अब यहाँ पर देखिए सीरियल वाइज हम अभी बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जो देश है वो कौन है, तो वो अभी यहाँ पर देखिए भारत सबसे छोटा है, यहाँ पर जो ऑप्शन में जो है ना उसमें ब्राजील, कनाडा और रूस में, तो रूस तो सबसे बड़ा हो गया है ना, और सेकेंड में आ गया आपका कनाडा, और यहाँ पर उसके बाद ये ब्राजील आता है, और ये ब्राजील थर्ड में है, थर्ड में चाइना है, अब फोर्थ यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा ये भारत आ गया नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटा जो है वो भारत होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है, वो थाईलैंड की मुद्रा के बारे में बताइए जल्दी, और वो थाईलैंड की जो मुद्रा है वो बहत है, बहत। युगांडा, युगांडा की राजधानी कहाँ है, तो युगांडा की राजधानी का नाम बताइए, क्वेश्चन एग्जाम में आया है, और युगांडा की कंपाला, ये याद रखिएगा, हम युगांडा कंपाला, युगांडा कंपाला, ठीक है, ये एसएससी सीजीएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो अभी हम बताए थे, आप कमेंट करिए जल्दी से, और ये जयवर्धनेपुरा कोटी में श्रीलंका की राजधानी है। माले, माले किस देश की राजधानी है, तो माले जो है वो मालदीव की राजधानी है, माले, ठीक है। तो यहाँ पर बताएं कि मालदीव, माले, माले किस देश की राजधानी है, तो वो मालदीव की है ना, और मॉरिशस, मॉरिशस का जो है वो है पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है इसका। और लक्षद्वीप का देखिए कमेंट करिए, फिर मलेशिया का भी आप कमेंट करिए। यूरो, यूरो का किसकी मुद्रा है, तो यूरो जो है वो यूरोपियन जोन की मुद्रा है। अकबलू को व्यवस्थित करने में हम देश यहाँ पे दिया हुआ है कि राजधानी के रूप में प्राप्त करते हैं, तो वो है अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है, अब वो है सिकंदरिया, नील नदी के तट पर सिकंदरिया शहर है। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता, तो सबसे छोटे सिक्कों को पैसा नहीं कहा जाता है, वो है श्रीलंका। भूटान का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है, पूर्वी हिमालय में स्थित है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। चीन में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है, तो वो है आपका बीजिंग में, और बीजिंग क्या है बताइए, तो चीन, बीजिंग, तो चीन की राजधानी बीजिंग है ना। उत्तर कोरिया की स्थापना के नेतृत्व में की गई थी, तो वो किम जोंग उन की नेतृत्व में की गई थी। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर ये चीन में है, कहाँ पे है, तो वो चीन में है। पवित्र शहर मक्का में स्थित है, तो मक्का कहाँ पे स्थित है, तो सऊदी अरब में मक्का स्थित है, सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है। ये मक्का बताया कि सऊदी अरब में है, और ये देखिए मुसलमानों का सबसे प्रमुख जगह है, ठीक है, प्रमुख
तीर्थ स्थल है मक्का, और ये समुद्र तट से 910 की ऊंचाई पर स्थित है, समुद्र तट से। दरी भाषा, उसके बाद है पवित्र शहर मक्का, ये तो हो गया। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? तो वो है अफगानिस्तान। एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो वो है सिडनी। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो वो दूसरी सबसे बड़ी भाषा है स्पेनिश। देखिए यहाँ पर जो सबसे दूसरी भाषा जो है दुनिया में, सबसे दुनिया में बोली जाने वाली सबसे दूसरी भाषा है ना, माने दूसरी बड़ी भाषा कौन सी है? तो वो है स्पेनिश। और सबसे बड़ी पहला जो है वो मंदारिन है, और दूसरा ये वो स्पेनिश हो गया, और तीसरा को हिंदी को रखा गया तीसरा को। हाँ अंग्रेजी जो था ना वो ठीक था, तो वो अंग्रेजों का अंग्रेजी भाषा था है ना, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो होगा दुनिया में बोली जाने वाली सबसे पहली भाषा वो मंदारिन है, और सेकेंड में स्पेनिश है, और थर्ड में हिंदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो ब्राजील का ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो है पुर्तगाली। अरे कहाँ चला गया, एक मिनट। वो ब्राजील का जो है वो पुर्तगाली है, ऑप्शन नंबर ए। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो मधेसी समुदाय के लोग नेपाल के निवासी हैं। लकड़ी के खम्भों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? तो वो टीपी, ऑप्शन नंबर ए टीपी है। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ये चीन में हुई थी। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति जो हुई थी वो चीन में हुई थी, और निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे अलग है, देखिए कॉफी है, चावल है, तंबाकू है, गन्ना है। तो यहाँ पर देखिए ये अलग जो है वो चावल है। अब देखिए चावल अलग क्यों है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉफी, तंबाकू, गन्ना, ये सब क्या है? आपको सबसे जरूरी चावल और रोटी होता है ना, ये तो जरूर बहुत जरूरी चीज़ है, इसके बिना आप नहीं रह सकते, आपको खाना पानी नहीं मिलेगा तो नहीं। लेकिन हाँ यदि हम कॉफ़ी नहीं पियेंगे तो जी सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी क्या है, जब हमारा जो इसेंशियल पूरा होने के बाद यदि है तो हम कॉफ़ी का यूज कर सकते हैं, तंबाकू का यूज कर सकते हैं, गन्ना का यूज। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें चावल चाहिए है ना, और सेकंड में इसेंशियल में भी तो गन्ना आएगा, लेकिन यहाँ सबसे पहले आपको चाहिए चावल। चावल तो ये तीनों जो है वो अलग है, और एक जो है मतलब ये तीनों एक जैसा है, और ये चावल अलग है इनमें से जो भिन्न है। काला सोना कहाँ क्या है? देखिए काला सोना किसे बोलते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल में, और ये आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप जल्दी से कमेंट करिए। और ये काला सोना जो है वो पेट्रोल को कहा जाता है, ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। देखिए पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है पेट्रोल को, क्योंकि ये अधिक इसका वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि इसके बिना चलना भी असंभव है, इम्पॉसिबल। जैसे बाइक से जा रहे हैं उसमें भी पेट्रोल, कार से जा रहे हैं उसमें भी पेट्रोल, हर जगह में पेट्रोल की जरूरी है, और बड़े बड़े ईंधन फैक्ट्री वहाँ पर भी पेट्रोल का लगता है, इसलिए इसे काला सोना कहा जाता है, इसका महत्वपूर्ण बहुत है। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो आप देखने के लिए आप हमारे चैनल में आइए, जुड़िए, और जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, बस इतना ही काम करना है। उसके बाद एक और आखिरी काम है, वो है आपको लाइक करना है, और लाइक करने के बाद इसको शेयर करना है, बस इतना ही काम, इससे ज़्यादा कुछ काम ही है नहीं दुनिया में। ठीक है, तो शेयर करिए, बस यही कहेंगे।